आज मैं आपके साथ ओल की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सब्जी बहुत ही रिच और टेस्टी होती है, तो चलिए बनाते हैं ओल की सब्जी। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा केजी ओल को धो छिलकर काट लिए हैं। देखिए इस तरह के बाजार में आते हैं ओल, बड़े साइज छोटे साइज सभी साइज के आते हैं और इसे रतालू एम के नाम से भी जानते हैं और भी नाम हो सकते हैं जगह अनुसार से। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार से इसे लाकर अच्छी तरह से पहले धो लेंगे, फिर छिलकर काट लेंगे अपने मनपसंद शेप में। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो प्याज, दो टमाटर, एक इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 कलियां लहसुन की। तो इन सारे चीज़ों को मिक्सी में पीस कर तैयार करेंगे। तो मैं पहले से ही पीस कर रखे हैं वो ले लेते हैं और इसे हटा देते हैं। दही 4 चम्मच, एक ताज़ी दही है, खट्टी दही बिल्कुल नहीं लेंगे। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, ग्रीन चिली फ्लेक्स या हरी मिर्च का पेस्ट 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, तेज पत्ता और लाल मिर्च 1-1 पीस लेंगे, हींग 1 पिंच, जीरा 1/2 छोटी चम्मच और एक थोड़ा सा हरा धनिया काट कर लिए हैं 1 चम्मच, लेमन जूस, घी 1 छोटी चम्मच और गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच और तेल ओल तलने के लिए और सब्जी बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। तो सबसे पहले एक बाउल में सभी मसाले जो हमने लिए हैं आधा आधा करके इसमें डालेंगे और नमक भी आधा डाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों पाउडर और 1 चम्मच बेसन। बेसन और सरसों पाउडर दोनों ऑप्शनल है, इसीलिए मैं इंग्रेडिएंट्स बताते समय मेंशन नहीं किए थे। अब बोल के सारे पीसों में मसाले के अच्छी तरह से कोटिंग लगा लेंगे इस तरह से। देखिए तो मसाले के कोटिंग अच्छी तरह से बोल में हो चुके हैं। तो अब हम इनमें डाल देंगे लेमन जूस और 1 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे। अब आई सब्जी बनाने की बारी। तो सब्जी बनाने के लिए पहले हम चाहे तो डायरेक्ट तेल में गैस पर तल सकते हैं इसे, या हम माइक्रोवेव यूज करते हैं तो माइक्रोवेव में 5-7 मिनट माइक्रोवेव कर लेंगे। तो अभी मैं 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर ले रही हूँ। तो एक माइक्रोवेव शेप प्लेट में इसे 1 चम्मच तेल डालकर इसे ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से पीस को रखते जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे पीसों को रख लिए हैं, अब इसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो देखिए इसे 5 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद मैंने निकाल लिए हैं माइक्रोवेव से। अब इसे हम कढ़ाई में थोड़ा 1-2 चम्मच तेल डालकर इसे तल लेंगे। आप चाहे तो इन पीसों को डायरेक्ट ग्रेवी बनाकर सब्जी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा तेल में तल देने पर सब्जी और टेस्टी बनती है। तो आप जैसे चाहें कर लें, आपकी चॉइस है। तो इन सारे पीसों को एक तरफ से पहले गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर दूसरे तरफ पलटकर दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। तो देखिए ये 2 मिनट के बाद इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए क्योंकि हम माइक्रोवेव किए थे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगा है। तो इसे पलटकर 2 मिनट दूसरी तरफ से भी सिक लेते हैं। तो अब ये दोनों तरफ से सिक चुके हैं तो इसे निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसी तरह से सिक कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे ओल के पीसे तैयार हो चुके हैं तलकर। तो सेम पैन में ग्रेवी बना लेते हैं। तो लाल मिर्च डाल दें और तेज पत्ता भी डाल देते हैं। लाल मिर्च और तेज पत्ता को थोड़ी देर पका लेते हैं, फिर डालेंगे इनमें हींग जीरा। तो हींग जीरा चटकने के बाद अब डालते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को इस तरह से एक बार चलाकर तुरंत ही टमाटर प्याज का पेस्ट डालकर और मिलाते हुए इसे तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से तेल अलग ना होने लगे।
देखिए मसाले से तेल अलग होने लगे हैं। अब हम इनमें जो दही फेंट कर रखे हैं वो डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए भुनेंगे फिर से, तब तक जब तक इनमें से फिर से तेल अलग ना होने लगे। और ग्रेवी में हम दही यूज किए हैं, आप चाहे तो क्रीम यूज कर सकते हैं अथवा आप बिना दही डाले क्रीम डाले भी बना सकते हैं, अपने मनपसंद ग्रेवी में बना सकते हैं। मसाले से फिर से तेल अलग होने लगे हैं तो इनमें नमक डाल देते हैं और नमक डालते ही इसे थोड़ी देर चला लेंगे। अब इनमें डाल देंगे पानी, तो अभी 3 कप पानी मैं यूज कर रही हूँ ग्रेवी में। आप ठीक पसंद करते हैं ग्रेवी तो थोड़ा कम कर लें, लेकिन सब्जी पकते समय जलेगा भी पानी और सब्जी भी सोखेगी पानी को, तो थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा अभी सब पानी। और इनमें डाल देंगे तले हुए ओल के पीसे और इसे ढककर 5-7 मिनट पकाएंगे पहले। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं सब्जी को पकी है कि नहीं। तो एक पैचुला से इस तरह से दबाएंगे, तो अभी नहीं पकी है सब्जी तो इसे 5 मिनट और देते हैं। अब फिर से 5 मिनट हो चुके हैं, तो सब्जी को फिर से चेक करते हैं। तो पैचोला से इस तरह से दबाएंगे, देखिए इस तरह से दब रही है सब्जी, यानी सब्जी बनके तैयार है। अब इनमें डाल देंगे गरम मसाले और हरा धनिया और अच्छी तरह से मिलाएंगे इसे। अब सब्जी को ढककर गैस बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हरा धनिया और गरम मसाले की खुशबू सब्जी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब 2 मिनट के बाद सब्जी सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो अब इनमें 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे सब्जी में। लास्ट में घी डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, तो आप ज़रूर इसमें घी डालिएगा। लीजिए हमारा ओल की सब्जी बनके तैयार है। ये सब्जी किसी रोटी पराठे नान चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और सब्जी को हमने पैन में बनाए हैं, आप चाहे तो मसाले भूनकर कुकर में मसाले पानी और ओल के तले हुए पीसों को डालकर 1 सीटी लगाकर भी बनाएंगे, तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये सब्जी। आप इस तरह से ओल की सब्जी बनाकर ज़रूर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।